दोस्तों वीवो T3 5G नया फोन लेने की सोच रहे हैं, जरूर से ले सकते हैं आप लोग। लेकिन आपको इसमें पांच ऐसी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो कि आपको फोन को खरीदने से पहले पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो जो इसका बेस वेरिएंट है 8 GB रैम 128 GB वाला, ये आपको 20,000 रुपए का देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास HDFC या तो SBI बैंक के कार्ड है तो भी 2,000 तक की डिस्काउंट भी हो जाएगा। वैसे वीवो ने जो ज्यादा फोन लॉन्च किया ये एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। लेकिन यहाँ पे आप लोग सेल्फी से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, सिर्फ सिर्फ आपको फुल HD तक की ऑप्शन मिलता है। तो फिर अगर आप लोग एक व्लॉगिंग के लिए फोन ले रहे हैं तो फिर सोच समझ के लीजिएगा। और यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को नहीं मिलता और ये बजट फोन है। यहाँ पे आपको 3.5mm ऑडियो जैक का भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आपको डिस्प्ले में 10 bit वाला पैनल देखने को नहीं मिलता और हाँ NFC का भी सपोर्ट नहीं, जो कि साले प्राइस पॉइंट पे हो सकता था। ऐसी टेक गाइड के लिए फॉलो जरूर कर।